पांडुरंग गणपति चोगले वर्सेस विश्वासराव पाटिल मुरगुड सहकारी बैंक लिमिटेड, ये एक केस का नाम है जो आज सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने उसमें जजमेंट दिया है। और इसमें तकरीबन 145 केसेस इकट्ठे थे और ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के पास रेफरेंस से आया था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पहले के कई जो जजमेंट थे उसमें कन्फ्लिक्टिंग जो व्यू पॉइंट थे बेंचेस के, तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये केस जो है डिसाइड जो सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने केस सुना और डिसाइड किया है। और इसमें जो मेन इशू था वो अगर टेक्निकल हिसाब से कहा जाए तो वो एक किस्म से जो लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस है कि केंद्र जो संसद क्या लेजिस्लेट कर सकती है और स्टेट जो लेजिस्लेचर है वो क्या लेजिस्लेट कर सकता है, उस तरह का कोई एक छोटा सा इशू था कि जो पार्लियामेंट के पास जो 7th शेड्यूल में एंट्री 45 जो बैंकिंग से संबंधित है उससे संबंधित जो भी कानून है वो संसद बनाती है। इसी तरह स्टेट लिस्ट में एंट्री 32 वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन और वाइंडिंग अप से संबंधित है। तो उसके तहत जो है देश भर में अलग अलग राज्यों में कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो कोऑपरेटिव बैंक बने हैं और कुछ बैंक जो है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के थ्रू भी बने हैं। अब हुआ इसमें ये था कि जब ये कोऑपरेटिव बैंक बने और उस उधर से जो सेंटर ने पार्लियामेंट ने जो है सरफेसी एक्ट जो बैंक सिक्योरिटाइजेशन के लिए यानी कि किसी का लोन डिफॉल्ट हो जाता है और उसके अगेंस्ट में जो प्रॉपर्टी है उसको रियलाइज करवा करके वो जो लोन रिकवर किया जाता है लोन अमाउंट, वो जो सरफेसी एक्ट है वो एक एडिशनल रिकवरी का प्रोविज़न देता है और वो कोऑपरेटिव बैंक भी उसके एम्बिट में आते हैं। लेकिन इसमें क्वेश्चन ये था कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी के थ्रू जो बैंक हैं वो स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू बनाए गए हैं और वो सरफेसी एक्ट में जो बैंकिंग की बात की गई है वो उसके एम्बिट में नहीं आते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने ये कहा है कि जो बैंकिंग है बैंकिंग से संबंधित कानून जो है पार्लियामेंट बना सकती है और सरफेसी एक्ट जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले जो बैंक है मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी या सिंगल स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी उन पर अप्लाई होगा। जहां तक वो कोऑपरेटिव बैंक की इनकॉर्पोरेशन रेगुलेशन और वाइंडिंग अप की बात है वो स्टेट लेजिस्लेचर के जो 7th शेड्यूल की एंट्री 32 है उसके दायरे में आएगा और जो सरफेसी एक्ट है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक्स पर अप्लीकेबल है और वो उसके दायरे में आते हैं। ये आज की जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का डिसीजन था जिसमें जस्टिस अरुण मिश्रा जो है लीड कर रहे थे उसका ये डिसीजन था।